गोवर्धन के ग्राम जचौंदा में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने को लेकर पीड़ित राम सिंह गांव जचौंदा ने डॉक्टर मनोज सिसोदिया के खिलाफ सीएमओ ऑफिस में शिकायत की थी। शिकायत पर जानकारी देते हुए डॉक्टर भूदेव ने शिकायत के आधार पर जांच की, जिसके बाद दुकान को बंद करा दिया गया। जचौंदा से शिकायत प्राप्त हुई थी, मनोज सिसोदिया करके थे, उनके यहाँ किसी कोई इंजेक्शन लगवाने गया था तो उन्होंने गलत इंजेक्शन लगा दिया था। उसकी जो शिकायत प्राप्त हुई, उसके शिकायत के उपरांत हमने वहाँ जांच की और वो वहाँ पहले दिन नहीं मिला, लेकिन अगले दिन मिला तो हमारे द्वारा उनकी दुकान बंद करा दी गई है और सील भी करा दी गई है। तो कोई उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह भी कराई है? अभी नहीं की गई है, क्योंकि हमारे द्वारा सील करा दी गई और उससे ये भी कहा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपना प्रस्तुत करें, लेकिन वो अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाया। बताया जा रहा है जो शिकायत करता था उसके साथ उल्टे उल्टे झोला छापने मारपीट कर। देखिए, कल संज्ञान में आया है कि गोवर्धन क्षेत्र का जो मामला है वहाँ पे जो है मारपीट हुई है और उसमें जो शिकायतकर्ता उनको चोटें भी आई है। वहीं शिकायत करने वाले राम सिंह ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायत करने पर मनोज सिसोदिया झोलाछाप डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट भी की थी। मैं उनका फैसला कराने गया था, दो डॉक्टरों में आपस में चल रही थी, उनका मैं फैसला कराने गया था, दूसरे के यहाँ रह रहा है उसने फिर SDM का स्टैंड हुआ। क्या नाम है? लहरेश कुमार। अच्छा। दामोदर सिंह। वो आए दिन दारू पी करके गाली देता है, नंगा हो जाता है छिछापियों के सामने, पैसे की जो कहता है कि मैं खरीद दूंगा, ये कर दूंगा, मैं SDM का स्टैंड हूँ, मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसी बातें डेली करता है। झोला छाप डॉक्टर कौन है? वो घंटी सनप पता नहीं है मुझे, और उसके दुकान में रह रहा है और उसी ने उसको दवा दी और उसके चक्कर में हमको मारा पीटा है।